सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और वेलकम टू आवर चैनल। तो ये वीडियो सीरीज़ पूरी तरीके से डेडिकेटेड है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। तो हम उस फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट वन में चल रहे थे और हम लोग का मॉड्यूल ए हो चुका था। अब हम लोग मॉड्यूल बी में हम लोगों ने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजिनेशन कवर कर चुके हैं। अब बचा है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन एंड इट्स लिमिटेशन। तो इस वीडियो में हम फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, ये है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसमें अगर आप देखें तो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्कालाई का वर्ड यूज़ हुआ है। एल्काई मतलब जैसे कि जैसे वो सिंपल सिंगल बॉन्ड की कार्बन चेन, जैसे मिथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब चीज़ें। तो इसमें एल्काइलेशन का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग कार्बन की चेन ऐड करेंगे, जैसे कि हमने ऐड कर दी CH3, C2CH5। ऐसे हम लोग यहाँ से प्रोपेन भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो हम लोग एक एल्काइल ग्रुप हमारी बेंजीन में अटैच करवाएंगे। तो होते कि यह रिएक्शन, ये हमारा बेंजीन है, इस पर हम लोगों ने ये कंपाउंड लिया है CCl3। इसको हम लोगों ने इसके साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3। तो AlCl3 हमारा लुईस एसिड है, ये एक तरह का कैटलिस्ट है जो इस रिएक्शन को होने में मदद करेगा। फिर जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो हमारे आया है एल्काइल बेंजीन। तो हमारे पास बेंजीन है और इसके ऊपर ये एल्काइल ग्रुप, मीन्स ये तो मिथाइल है। अगर C2H5 होता तो इथाइल होता, प्रोपाइल होता है ना। तो यहाँ पर हमारे बेंजीन में एल्काइल ग्रुप अटैच हो चुका है और एक और प्रोडक्ट हम लोग को मिला है HCl। तो ये रिएक्शन तो बैलेंस है। तो अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। सो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि इसमें फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में दोनों में ही जो मैकेनिज्म है वो सेम है। तीन स्टेप की मैकेनिज्म है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि इन तीनों स्टेप को अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिए, या अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको बार बार देख के या कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछिए। मगर प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तभी ये आपको रिएक्शन आएगी, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसी रिएक्शन पर हम लोग चलते हैं फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में। तो ये तो हो गई हमारी जनरल रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहला स्टेप वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट होगा। अब देखिए कैसे होगा, CH3Cl है ये, और यहाँ पे हमारा AlCl3 है। अब देखिए जो Cl में होता है उसमें लोन पेयर्स होते हैं, सबको पता है लोन पेयर्स होते हैं। और मैं बता चुका हूँ कि ये जो लुईस एसिड होता है ये इसको इलेक्ट्रोफाइल होता है, मींस इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, मींस इसमें खुद पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये चाहता है कि और किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको अट्रैक्ट कर देता है और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके वजह से जो उनका बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो CH3+ हो गया और इसने इसके साथ बना लिया AlCl4-। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के दोनों जो बॉन्ड पेयर है दोनों क्लोरीन के पास चले गए हैं, तो CH3 में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तभी मैंने लिख दिया इसको CH3+। और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब कि Cl चला गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AcL4। अब देखिए ये तो अभी मैं बताऊंगा कि इसका क्या यूज़ है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इसमें आए थे क्योंकि ये है मेन हमारा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला स्टेप तो हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल का। अब है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें होता क्या है, ये हमारी बेंजीन है, ये हमारी बेंजीन है, बेंजीन में होती है रेजोनेंस, और रेजोनेंस के कारण होती है यहाँ पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर चला जाता है। तो होता क्या है, एट द सेम टाइम ऐसे होता क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, भाई यहाँ से पाई गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं और यहाँ जगह इकट्ठा हुए हैं, तो यहाँ पे Cl मीन्स माइनस चार्ज आ जाता है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये माइनस चार्ज है और ये CH3+ है, इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है,
तुरंत ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है और बन जाता है ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी बनता है, तो आपको कई सारी बुक्स में ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट असलियत में बनता है। लेकिन ये CH3 इतनी जल्दी इसमें अटैक कर जाता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता, और हम लोग जो लिखते हैं उसको फिर ऐसे लिखते हैं, ये CH3 है, ऐड हो गया। तो यहाँ पे CH3 ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पे चार्ज इधर है ऑर्थो पोजीशन पे। तो दोस्तों बता दूँ, जो CH3 के रिस्पेक्ट में ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा, और ये होती है पैरा। तो हमारे CH3 में यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में चार्ज है। अब से देखिए, अब जैसे मैंने ये वाला बॉन्ड इधर किया था, तो मैं ये वाला बॉन्ड इधर ले आता हूँ, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस तो होता ही रहेगा। तो इस तरह से, तो ये तो बॉन्ड वही रहेगा, और ये वाला बॉन्ड इधर चला गया। इसके जाने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए थे, है ना। और फिर अब मैंने ये वाला बॉन्ड इधर किया, ये वाला बॉन्ड इधर किया, अब हम ये वाला बॉन्ड इधर कर देंगे। सो गाइस, जब मैंने ये वाला बॉन्ड इधर कर दिया, तो हमारा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है ये। अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा ये बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब देखिए, ये तो हो गए आपके तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक रेजोनेंस ये है जहाँ पे पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, और फिर हमारा ये थर्ड स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा ऑर्थो पे इसमें प्लस चार्ज है। अब इन तीनों को एक से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग करते हैं ये, पहले बेंजीन बना देंगे, फिर ये डॉटेड लाइन बना देंगे, और ये बता देंगे प्लस। प्लस का मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी बेंजीन में डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज मीन्स ये घूमता जा रहा है, देखिए ये पहले यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर से यहाँ आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरी बेंजीन में घूमता रहेगा, और यहाँ पे अपना CH3 तो जुड़ा ही था। तो इसे कहते हैं सिग्मा कंपाउंड। तो इन तीनों को अगर आपको मैकेनिज्म पूछी जाए, तो सबसे पहले आपको ये तो बनाने ही होंगे, और साथ में ये स्ट्रक्चर भी बनाना होगा, क्योंकि ये होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स होते क्या है, ये बस इन तीनों स्ट्रक्चर का सिंबल है। अगर आपको ये तीनों स्ट्रक्चर नहीं बनाने आ रहे हो, तो आप अगर ये भी लिख देंगे तो कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। और आप आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप में। तो अब मैंने बताया था कि अभी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो पूरी तरीके से निकला नहीं है, बेंजीन ये रही। तो मैं यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। तो ये जो CH3 है, ये हाइड्रोजन अभी पूरी तरीके से निकला नहीं है, एक यहाँ पे वो हाइड्रोजन था। तो अब इस स्टेप में होगा क्या कि ये हाइड्रोजन इसे टूट जाएगा, तो ये इसे हाइड्रोजन टूट जाएगा, तो ये बेंजीन अब पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी। तो इसमें होगा सिर्फ CH3, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बाहर निकल गया। अब देखिए क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ये बाहर निकल गया, ये हमारा AlCl4 था, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे H+ प्लस AlCl4 माइनस था, तो बस इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो एक इससे Cl निकल जाएगा, तो बना लेगा ये HCl और AlCl3। तो हमारा ये हो गया HCl जो मैंने बताया था अभी इधर, ये और AlCl3 जितना मैंने लिया था उतना ही मुझे वापस यहाँ पे मिल गया। तो ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब मैंने तो इधर मिथाइल ग्रुप ऐड करवाया, लेकिन आप कोई भी ग्रुप ऐड करवा सकते हैं, आप C2H5 ग्रुप ऐड करवा सकते हैं, आप ये कोई प्रोपाइल ग्रुप ऐड करा सकते हैं, कोई ब्यूटेनाइक ग्रुप ऐड करा सकते हैं, कोई भी आप ग्रुप ऐड कर सकते हैं इस रिएक्शन के थ्रू। सो गाइस, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ने के बाद अब हम लोग की बारी है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ने की। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन में फ़र्क ये है, सिर्फ एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे जो CH3 है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं, ये सिंपली एक सीरीज है एल्काइल की। लेकिन यहाँ एसाइलेशन में हमारे पास C के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा होता है, बस यही डिफरेंस है एल्काइलेशन और एसाइलेशन में, होती पूरी उसके तरह से है। हम लोग अपना पहले ये लेंगे, एक एसाइल ग्रुप लेंगे, फिर हम लोग लेंगे बेंजीन, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विच इज़ अ लुईस एसिड, हम लोग को मिलेगा ये बेंजीन के डेरिवेटिव, और हम लोग को साथ में मिलेगा HCl। तो गाइस,
रिएक्शन पूरी सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। पहला स्टेप जो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा, तो ये है, ये Cl है और हमारे पास ये AlCl3 है, ओ ये और ये। तो अब होगा क्या, यहाँ पे जो इसमें जो लोन पेयर बचे हुए हैं, मरीज जो इस पर लोन पेयर हैं, ये इसको Al अट्रैक्ट कर लेगा और इसको जो है Cl छोड़ देगा, तो C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे AlCl4 बच चुका है, तो ये हो गया AlCl4। तो अभी इसको तो बाद में देखेंगे, सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी है इसको, क्योंकि यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल बचा है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल में अब हम लोग क्या करेंगे, अटैक करवाएंगे, तो अटैक करवा देते हैं। सो गाइस, पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट हो गया, अब हम बारी है हम लोग के सेकेंड स्टेप की, वो है अटैक। तो ये बेंजीन है, ये हमारी बेंजीन है, तो ऐसे इसमें बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये बॉन्ड इधर जाता है, मैं आप पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है और तुरंत ये इसमें अटैक हो गया, तो इसने इस पर अटैक किया और बना लिया COCH3। इसमें देखिए पॉजिटिव था ना, इसने तुरंत इधर बना लिया और ये है, फिर एक और स्ट्रक्चर बनेगा जो ये है COCH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, एक और स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पे फिर से ऑर्थो पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो मींस यहाँ पे है तो यहाँ यहाँ COCH3। अब इनको एक तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो इस तरह से बनता है, जो हम लोग पॉजिटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है और ये हो गया। तो ये आपकी हो गई कि यहाँ पे सेकंड स्टेप कि अटैक कैसा हुआ। थर्ड स्टेप में हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो जो हमारी ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल थी, मींस यहाँ पे अभी H निकला नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। लास्ट स्टेप में होगा क्या कि ये CO, ये पूरा H जो है वो पूरी तरह से हट जाएगा और अब ये बेंजीन में हो, ये बेंजीन में सिर्फ COCH3 है और इससे H प्लस निकल गया है। अभी H प्लस करेगा क्या, अभी ये हमारा कंपाउंड था AlCl4 3, ये था AlCl4 मैंने और नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट हो जाएगा और इससे एक HCl निकाल लेगा और ये AlCl3 बन जाएगा। वही AlCl3 मैंने जितना लिया था उतना मुझे मिल गया है और ये है हमारा HCl। तो यही है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि एल्काइलेशन में सिर्फ एल्काइल ग्रुप है और एसाइलेशन में ये सी डबल बॉन्ड ओ है। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि ये CH3 हो, आप इसको और बढ़ा सकते हैं, मींस आप एक और CH2 लगा सकते हैं, फिर एक और CH3 लगा दें, इस तरह से कोई मान लें कि आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं कि आप मिथाइल खाली मिथाइल को ही करा पाएंगे, आप चाहे जितनी भी कम से कम 15-20 कार्बन की चेन आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। तो अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी तो अब आपके लिए आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान होगा, क्योंकि ये तो जो सब रिएक्शन है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो तीनों स्टेप है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गए तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी आप फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। सो प्लीज़ थैंक यू गाइस।